रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डेसिमल्स में से कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ 15.2 केजी राइस इज रुपीज 1220.56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी। 15.2 किलोग्राम चावल की कीमत 1220.56 रुपये है। 1 किलोग्राम की चावल की कीमत कितनी होगी? वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और आप देखें कि हमारे पास टोटल प्राइस है, तो हमने इसको तकसीम करना है। हमने जितने चावल खरीदे उस पे टोटल रकम को उसे तकसीम कर देंगे। तो हमने 1220.56 को डिवाइड कर दिया 15.2 से। तो ऐसा करने से हमारे पास 1 किलोग्राम चावल की कीमत आ जाएगी। तो आप देखें कि हमने डेसिमल उड़ाने के लिए डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखा, और हम इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 80.3 रुपीज़ आए, यानी 1 किलोग्राम राइस की कीमत जो है वो 80.3 रुपीज़ है। तो अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो हम अगर 80.3 को 15.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास असल कीमत आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन लाइफ आर बिकॉज ऑफ 2 रीजन। जिंदगी में मुश्किलात 2 वजूहात की बिना पर आती हैं। वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, हम सोचे बगैर कर गुजरते हैं कोई काम, या फिर कीप थिंकिंग विदाउट एक्टिंग, या फिर हम सोचते रहते हैं और उस पर अमल नहीं करते। तो ये रवैये दोनों गलत हैं। मुश्किलात को हल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी ताला ऐसा पैदा नहीं किया जिसकी चाबी ना बनाई हो, और कोई ऐसी मुश्किल हल नहीं है जिसका हल ना हो। ट्रस्ट हिम, अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन अल्लाह पर हम भरोसा कैसे रख सकते हैं जब तक हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते? और अल्लाह को जानने के लिए हमें कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज से ही उर्दू जुबान में तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना शुरू करें, ताकि आपका अल्लाह से ताल्लुक कायम हो। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है कि 12.5 केजी एप्पल्स कॉस्ट ₹1065। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8.5 केजी ऑफ एप्पल्स। हमारे पास जो है वो 12.5 केजी की कीमत 1063 रुपये है, और हमने 8.5 केजी एप्पल की कीमत फाइंड आउट करनी है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो इसमें 2 प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहले तो हमें तकसीम के ज़रिए 1 किलो एप्पल्स की कीमत मालूम करनी होगी, और फिर उसको हमें 8.5 से मल्टीप्लाई करना होगा 8.5 केजी एप्पल्स की कीमत मालूम करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी के लिए हम 1065 को डिवाइड करेंगे 12.5 से, तो ये हमारे पास 85.2 रुपीस आगे केजी की, 1 केजी एप्पल की कीमत। तो इसको फिर हम 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट जो आएगी 8.5 केजी एप्पल्स की वो है 724.20 रुपीस। तो इस तरह हमने एक पहले डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई किया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक पोल है, टोटल लेंथ ऑफ अ पोल इज 21.3 मीटर। इफ 0.2 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ दिस पोल इज इनसाइड द ग्राउंड, फाइंड हाउ मच ऑफ इट्स लेंथ इज आउटसाइड द ग्राउंड। यानी कि पोल की कुल लंबाई दी हुई है और उसकी अंडरग्राउंड जो है वो 0.2 है, तो जो बाहर है जमीन के वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें माइनस करनी पड़ेगी टोटल लेंथ निकालने के लिए जो ज़मीन से ऊपर है उसमें से ज़मीन के अंदर वाली लेंथ को। तो 21 - 3 - 0.2 हमारे पास अगर हम करेंगे तो 21.1 मीटर आ जाएगी। तो जो ग्राउंड से बाहर पोल की लेंथ है वो है 21.1 मीटर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।